अरे नकली असली, आप तो अपनी स्कूलों को देख लो। 27 साल से अगर गुजरात की बात कर रहे हो तो 27 साल से मोदी जी को चुना जा रहा है और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन के भी यहाँ पर आए हैं, तो इसीलिए जिस 27 की साल की बात कर रहे हो गुजरात की, वहाँ पर बार बार सीएम बनकर चुने गए वो, और जो 1214 टॉयलेट्स बनाकर क्लासरूम की बात करते हैं दिल्ली में, उन्हें जिनको ये नहीं मालूम कि क्लासरूम किसे कहते हैं और टॉयलेट किसे कहते हैं, वो बात आज कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये बात करती है कि हम तो आपसे वो चैलेंज करते हैं कि जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में आज प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाए हैं, आप कैमरा को लेकर जाइए उस स्कूल को देखिए। और रही बात दिल्ली की तो टाइम्स मैगजीन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल अरविंद केजरीवाल, हर बार दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल की, स्वास्थ्य मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली के अंदर 670 स्कूलों के अंदर हेडमास्टर नहीं है, दिल्ली के अंदर 22,000 शिक्षक ऐसे हैं जो टेम्पररी पे, जो टेम्पररी पे जैसे भी वो भाई कह रहा था, उनको पक्का नहीं किया जा रहा। और अगर इसके अंदर आपको देख रहा है तो रिजल्ट देख लीजिए, सीबीएसई का रिजल्ट देख लीजिए 2022 का, 2021 का सारे रिजल्ट देख लीजिए, दिल्ली में कितनी एजुकेशन की क्वालिटी क्या है। देखिए दिल्ली के अंदर 5 नवम्बर को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। केस क्या है? सर्विसेज पे अधिकार किसका है? सीजीआई जो चंद्रचूर बने हैं उन्हीं की अध्यक्षता में, यानी कि जो नौजवान कह रहा था कि कच्चे मुलाजिम पक्का नहीं हुए हैं, चाहे कच्चे मुलाजिम को पक्का करना हो, चाहे प्रिंसिपल की प्रिंसिपल की नियुक्ति करनी हो, ये सर्विसेज को करना होता है, उसी की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इनसे पूछिए कि वोकेशनल टीचर्स इन्होंने कितने पक्के किए, आज आप बात इतने बड़े बड़े धरना दे रहे हैं, बात कर रहे हैं कितने वोकेशनल टीचर्स इन्होंने पक्के किए, कितने गेस्ट टीचर्स इन्होंने किए, कितने स्कूलों के अंदर टीचर्स प्रॉपर है, कितने एजुकेशन के अंदर एजुकेशनिस्ट इनके पास है, कितने प्रिंसिपल्स है, कितने वाइस प्रिंसिपल्स है। अरे साइंस की पढ़ाई नहीं होती, मेडिकल स्कूल खोल की बात करते हैं। अरे प्रतीक जी देखिए, भाजपा वाले अगर गुजरात और हिमाचल की बात करते हैं तो एक बार समझ आता है, आप किनकी बात कर रहे हैं? ये वो लोग जो पिछली बार वहां पूरी सरकार में 40,000 वोट लाए थे, 0.1% आम आदमी पार्टी हिमाचल में। तो अब क्या आप जो खड़गे जी आए हैं तो खड़गे जी क्या करेंगे? प्रतीक जी ये तो रेलिवेंट ही नहीं है, इनके बारे में हिमाचल और गुजरात में बात करने की जरूरत ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की ये तो शून्य है, शून्य को कितने से भी गुणा कीजिए। देखिए कि जो है कांग्रेस के साथ इस पॉइंट पर जरूर खड़ी है, जो आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं कि वो शून्य है, कांग्रेस इस बात को समझना गजब राजनीति है भैया, गजब राजनीति है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? यशराज। यशराज कहाँ से आना हुआ? बिहार से। बिहार में कहाँ से आया? ऑफकोर्स आई विल गिव यू कांग्रेस। दरभंगा जिला से। अंदर आओ बेटा, क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई काहे की कर रहे हो? लक्ष्मी नगर में सीए की। सीए की? घर में कौन कौन है? पापा है, मम्मी है, दादा है, दादी है, बहन है और हम। बहन और भाई, मतलब एक तू बहन है, बहन क्या कर रही है? बहन भी सीए कर रही है। सीए कर रही, दोनों लोग सीए की तैयारी कर रहे हो? जी। तो सीए तो इस बार हो ही जाएगा? नहीं अभी तो हम आईपीसीसी में, मेरी बहन फाउंडेशन में। तो अच्छा, तो अभी तैयारी के बीच का मामला है। जी जी जी। तो कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। तो आज इधर कैसे आए? बस पालिका जा रहे थे तो रुक गए। तो कोई एक बात तुम्हें बता, क्या नाम बताया? यशराज। तुम्हारा नाम तो कैसे भूल जाएगा कोई दुनिया में, यशराज सबको याद रहेगा। यशराज इस डिबेट में आने की जरूरत नहीं है कभी दोबारा, ठीक है? आज आ गए देख लो, इसके बाद नहीं है, पहले सीए बन जाओ और जब सीए अपने ऑफिस में रुके बोलने दीजिए, आपका तो जिंदगी ऐसे ही निकल गई, खराब हो गई, बेकार हो गई, अच्छी हो गई, अच्छा हो गई। तो तुम यशराज अब दोबारा इस डिबेट में अगर तुम्हें दिखे तुम्हारा कान खींचूंगा मैं, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है डिबेट में, कभी ना आना। बस यहाँ देख दाख के अपना काम करो, निकल जाओ यहाँ, अपना टाइम वेस्ट करो नहीं, सीए बनो बेटा ऑफिस में बैठ के, और फिर आना और फिर बोलना, ठीक है? वेरी गुड, यहाँ आने की जरूरत नहीं। ऑफकोर्स सही बोला ना मैंने? जी आपका। हाँ जी, हाँ क्या? 6 साल से मेरी नौकरी छूटी पड़ी और मैं घर में बैठी हूँ। 6 साल से नौकरी, क्या क्या काम करती थी आप? मैं ना बिल्डिंग में जो कोठी बनती है ना, चालू बिल्डिंग जो बनती, हाँ हाँ, उसमें सफाई करती थी। और जैसे ही नोटबंदी शुरू हुई ना, नोटबंदी के बहाने से निकाल दिया उन्होंने। अच्छा, 5 साल से घर में बैठी हूँ। अच्छा रुकिए, अभी इसके बाद जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा
तो फिर वहीं सफाई वाले में काम में कहीं जरूर बुलवा देंगे आप हमें। असली हमें क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, मुझे असली और नकली, असली और नकली आदमी की पहचान बहुत है। सुन लो मेरी बात, असली और नकली, क्या बोला मैंने? असली और नकली, असली और नकली, असली आखिरी बात, असली और नकली की पहचान बहुत अच्छी है। मुझे कोई काम नहीं आता, पत्रकारिता तो मुझे छू तक नहीं गई है, पत्रकारिता तो मैं जानता ही नहीं, लेकिन असली और नकली आदमी की पहचान। और सुनो, जो पूरा सेंटेंस है रटो, कागज भी अंदर रखा है, रटो, उसके बाद बताएंगे क्या करना है।